दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अपनी पुरानी टीम को पीटने के बाद डेविड वार्नर ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर दिल जीतने वाला बयान दिया है। 92 रनों की तूफानी पारी खेलकर मैच प्रेजेंटेशन में क्या कह गए डेविड वार्नर, जिस पर हर जगह केवल उनके बयान की ही चर्चा हो रही है। यदि आपको भी जानना है उस बयान के बारे में तो हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत में से शानदार विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों डेविड वार्नर ही वो थे जिनके खौफ के आगे हैदराबाद के दिलेर गेंदबाज भी पानी मांगते नजर आए। जी हाँ, पहली पारी में एक बार भी डेविड वार्नर ने हैदराबाद के गेंदबाजों को सांस नहीं लेने दिया, चाहे उमरान मलिक हो या फिर उनके ही हम वतन खिलाड़ी सीन एबॉट। वार्नर ने बारी बारी सबको पीटा, यही नहीं उनका साथ निभाते हुए रोमन पवेल ने आईपीएल के 50वें मुकाबले में हैदराबाद के गेंदबाजों को कैरेबियन पावर का दर्शन कराया। जी हाँ, उमरान मलिक और रोमन पवेल का जंग देखने को लायक था। पारी के 20वें ओवर में जब उमरान गेंदबाजी करने आए तब उन्होंने अपनी चौथी गेंद आईपीएल इतिहास की दूसरी सबसे तेज गेंद डाली। जी हाँ, इनकी स्पीड 157 से ज्यादा की थी। इनकी इस गेंद पर दो बल्लेबाज को खौफ खाना चाहिए, लेकिन बेखौफ बल्लेबाज रोमन पवेल ने उनकी गेंद को शीशा दिखाते हुए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जिस गेंद पर उमरान के लिए तालियां बजनी चाहिए थी उस गेंद पर पब्लिक थोड़ा मायूस दिखी, क्योंकि रोमन पवेल ने 35 गेंदों में 67 रन की पारी खेलकर हैदराबाद की गेंदबाजी क्रम को ध्वस्त करके रख दिया। और शानदार गेंदबाजी करके ऋषभ पंत की टीम ने हैदराबाद को 21 रनों से शिकस्त दे दी। और 92 रनों की लाजवाब पारी खेलने के बाद डेविड वार्नर ने महेंद्र सिंह धोनी को याद करते हुए दिल जीतने वाला बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, मुकाबले के बाद मैच प्रेजेंटेशन में डेविड वार्नर ने कहा है कि ये एक अच्छा विकेट था, यहाँ गेंदबाजों से तो सामना करना ही था, साथ में मुंबई के उमस से भी सामना करना था। मैं जब बल्लेबाजी करने आया तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि गेंद को हिट करूं, और मैं ऐसा कर पाया। मैं बेहद खुश और लकी था कि मेरे साथ दूसरे छोर पर रोमन थे, उन्होंने मुझे खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका दिया और ये मुकाबला शानदार रहा। हमने एक अच्छी जीत हासिल की जो कि हमें बेहद जरूरी थी। तो वहीं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को लेकर उन्होंने कहा है कि आज मैं आखिरी तक टिका रहा और इसका इंस्पिरेशन मुझे माही भाई से मिलता है, वो हमेशा ही मुकाबले को अंत तक लेकर जाते हैं और बहुत कम ही ऐसा मौका होता है जब उन्होंने मुकाबला खत्म ना किया हो, वो लाजवाब है। और करियर के इस पड़ाव पर भी मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को लेकर जिस तरीके से डेविड वार्नर ने बयान दिया है, सच में उसे सुनकर आप भी इस खिलाड़ी को दिल से सलाम करोगे। दोस्तों क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स जैसे दिग्गजों के साथ साथ भारत में डेविड वार्नर को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में दिल जीतने वाला बयान देकर तो उन्होंने एक बार फिर से सबको अपना दीवाना बना लिया है। तो वहीं दोस्तों आपको क्या लगता है, दिल्ली इस बार चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।